हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, मैं आज आप सबको बताऊंगी आप बिजनेस स्पेंडर ऐप में इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट स्टोर कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बिजनेस स्पेंडर ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया है, अब ओपन कर लूँगी। ये मैंने ओपन कर लिया है फ्रेंड्स। देन आपको यहाँ दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, क्रिएट योर अकाउंट एंड क्लिक हियर टू लॉग इन। इसमें से आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है, अकाउंट आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप लॉग इन कर सकते हैं फ्रेंड। देन आपका अगर अकाउंट नहीं है, आप बिग मिलर्स में नए हैं, तो आप नए तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्रिएट योर अकाउंट पे जाना है। देन आपका फुल नेम यहाँ आपको एंटर करना है। मैंने फुल नेम डाल दिया। देन आपको अपना ईमेल टाइप करना है। देन फ्रेंड्स, आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, ये मैंने डाल दिया। देन आपको यहाँ OTP एंटर करना है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, आपको ये एंटर कर लेना है। देन पासवर्ड, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है फ्रेंड। ये मैंने कर लिया। देन रजिस्टर, ये हमारा अकाउंट रजिस्टर हो गया है फ्रेंड। देन मैं आप शॉप लिस्टिंग ओपन कर लूंगी। आपको आपकी शॉप की नेम डालनी है। देन आपको शॉप की कैटेगरी डालनी है। देन आपको आपकी लोकेशन सेट करनी है फ्रेंड। ये आपकी करंट लोकेशन सेव होगी। आपकी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए मोबाइल की ये सेट करते टाइम। ये मैंने सेव दे दिया। देन आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। मैंने स्टेट सेलेक्ट कर लिया है फ्रेंड। देन आपको सिटी एंटर करनी है। देन आपका एरिया, आपका फुल एड्रेस, देन आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको यहाँ अपलोड करना है फ्रेंड। आपका फर्स्ट ऑप्शन आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड भी डाल सकते हैं। देन ट्रेड लाइसेंस आपको यहाँ अपलोड करना है, तो मैंने कर लिया। देन FSSCI लाइसेंस आपको यहाँ डालना है, ये मैंने डाल दिया। देन आपको आपकी स्टोर की एक फोटो डालनी है, मैंने डाल दिया। आप जितनी चाहे आपकी स्टोर की फोटोज डाल सकते हैं। देन रजिस्टर, यह हो गया है फ्रेंड्स, सेक्शन कंप्लीटेड। शॉप आपकी सक्सेसफुली लिस्ट हो गई है। देन आपको यहाँ एक्सप्लोर ऑर्डर पेज पर क्लिक करना है, ये मैंने क्लिक कर लिया। देन आपको यहाँ ऑल ऑर्डर, पेंडिंग ऑर्डर, कंफर्म ऑर्डर, डिलीवर्ड ऑर्डर, टोटल प्रोडक्ट, ये आप सब देख सकते हैं। देन आपको एक रेड सर्कल दिखाई दे रहा है जिसमें 0 है। आपको यहाँ आप सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको मेंबरशिप के डेज दिखाई देंगे। देन उसके ऊपर आप बेल आइकन देख सकते हैं, इसमें आप हर तरह की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देन आप अपनी लोकेशन चेक कर सकते हैं। देन इधर ब्रांड के बगल में आप 3 हॉरिजॉन्टल लाइन देख रही हैं फ्रेंड। इसमें आप सबसे ऊपर एक ग्रीन कलर लेबल दिख रहा है फ्रेंड, ये एक्टिव का है। अगर आप किसी वजह से शॉप ओपन नहीं कर सकते या आप छुट्टी पर हैं, तो आपको इनएक्टिव करना है फ्रेंड। आपको कस्टमर ऐप में आपकी स्टोर नहीं दिखाएगा। देन आप स्टोर ओपन करते हैं तो आपको एक्टिव बटन क्लिक करना है। देन आपको अपनी प्रोफाइल सेट करनी है फ्रेंड।
यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ दो ऑप्शन हैं, एक है पिकअप ऑप्शन, एक है डिलीवरी ऑप्शन। इसमें से आप जो चाहे चूज कर सकते हैं। अगर आप किसी वजह से होम डिलीवरी नहीं दे सकते या आपके पास डिलीवरी बॉय नहीं है तो आप पिकअप ऑप्शन चूज कर सकते हैं। अगर आप डिलीवरी होम डिलीवरी दे सकते हैं, आप देना चाहते हैं तो डिलीवरी ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। देन आप हाउ मेनी किलोमीटर सर्विंग में, आप कितने किलोमीटर दूर तक आपकी स्टोर दिखाना चाहते हैं ये आप टाइप कर सकते हैं फ्रेंड। जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया 20। देन डिलीवरी चार्जेस, यहाँ आपको आप डिलीवरी ऑप्शन चूज करते हैं तो पर किलोमीटर डिलीवरी चार्जेस आपको यहाँ सेट करनी है। मैंने डाल दिया। देन फ्री डिलीवरी अबो, आप कितने के, अगर आप ज्यादा खरीदारी पर फ्री डिलीवरी देना चाहते हैं तो यहाँ फ्री डिलीवरी अबो में आप क्लिक कर यहाँ मेंशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप कितनी अमाउंट के बाद डिलीवरी देना चाहते हैं फ्री डिलीवरी। मैंने डाल दिया 1000। देन अपडेट, ये हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे प्रोफाइल अपडेट। देन मैं प्रोडक्ट ऐड करने के बारे में दिखाऊंगी। ये मैंने कर दिया ऐड प्रोडक्ट। देन यहाँ आपको प्रोडक्ट का नेम डालना है, ये मैं डाल रही हूँ। फ्रेंड्स आपको प्रोडक्ट के बगल में ब्रैकेट में ये प्रोडक्ट के हिसाब से आपको डालना है, ये पर पीस का आता है या नॉस में आता है, ये आपको यहाँ डालना है। स्विच बोर्ड तो नॉस के हिसाब से आता है तो मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 नॉस। मैंने डाल दिया। देन ब्रैकेट क्लोज। देन आपको यहाँ सब कैटेगरी ऐड करनी है फ्रेंड। मैंने सब कैटेगरी ऐड कर दी। देन ओरिजिनल प्राइस आपको यहाँ एंटर करना है। देन आप ग्राहक को कितने में बेचेंगे ये डिस्काउंट प्राइस में आपको टोटल अमाउंट यहाँ डालनी है। देन यूनिट में आप ये वही हमने जो ऊपर डाला वो यहाँ भी डालना है 1 नॉस। देन आपके पास कितना स्टॉक बचा है ये आपको यहाँ डालना है। मैंने डाल दिया। आप अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ अच्छा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं फ्रेंड, जैसे मैं यहाँ डाल रही हूँ। आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आप टाइप करना चाहें वो प्रोडक्ट के बारे में आप डाल सकते हैं। देन यहाँ आपको प्रोडक्ट की फोटो ऐड करनी है, ये मैंने कर दिया। देन ऐड प्रोडक्ट, ये हो गया फ्रेंड्स प्रोडक्ट एडेड। ओके पर मैं क्लिक कर दूंगी। देन फ्रेंड्स आपको यहाँ एडिट ऑप्शन में आप प्रोडक्ट एडिट कर सकते हैं या आप प्रोडक्ट डिलीट भी करना चाहे तो डिलीट कर सकते हैं। अगर आप किसी तरह से आपका प्राइस मिस हो गया है, आप प्राइस चेंज करना चाहते हैं तो आप प्रोडक्ट डिलीट कर सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक खत्म हो गया है तो आप प्रोडक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। देन यहाँ आता है ऑर्डर, आप यहाँ देख सकते हैं ऑल ऑर्डर्स में पेंडिंग ऑर्डर्स, कंफर्म ऑर्डर्स, डिलीवर्ड ऑर्डर्स, ये सब यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। देन रिव्यूज में आप आपकी शॉप के बारे में रिव्यूज जान सकते हैं, लोग आपकी शॉप के बारे में क्या राय रखते हैं ये आप रिव्यूज के थ्रू जान सकते हैं। देन सब्सक्रिप्शन फ्रेंड्स, ये सब आप हो जाने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन करना है आपकी शॉप का। आपको मोबाइल की तरह ही रिचार्ज करना है फ्रेंड्स, आप जैसे मोबाइल का रिचार्ज करते हो ऐसे ही आपको शॉप का भी रिचार्ज करना है। ये मैंने 30 डेज का पैक लेती हूँ, ये मैंने चूज कर लिया। देन यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे फ्रेंड्स पेमेंट के, कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग, वॉलेट। मैं वॉलेट से करूंगी फ्रीचार्ज पे।
यह हो गया फ्रेंड्स, एक्शन कंप्लीटेड, पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है फ्रेंड्स। तो ये हमारी इस तरह से शॉप रजिस्टर हो गई है फ्रेंड्स। आप कस्टमर ऐप में आपकी स्टोर देख सकते हैं। तो आपको किसी चीज का ऑर्डर आए तो इसे कैसे एक्सेप्ट करना है मैं आपको दिखाऊंगी। ये मैंने कस्टमर ऐप ओपन कर लिया ना है, ये मैंने कर लिया है। फ्रेंड्स आप यहाँ बहुत से स्टोर देख सकते हैं, वीवॉल में आपको हर तरह के स्टोर्स मिल जाएंगे। मैं यहाँ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का स्टोर ले रही हूँ। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी स्टोर आ गई है यहाँ अखिल इलेक्ट्रिकल, ये मैंने ओपन कर लेना है। देन प्रोडक्ट ऐड, ये कार्ट में सेव हो जाएगा। अब मैं कार्ट से ओपन कर लूंगी। चेकआउट, मैंने ऑफिस एड्रेस पहले ही सेव रखा है तो मैंने ऑफिस एड्रेस दे दिया। देन कंटिन्यू, ये सक्सेसफुली हमारा ऑर्डर हो गया है फ्रेंड। देन मैं अब फिर से वेंडर ऐप ओपन कर लूंगी। इसमें ऑर्डर्स में आपको ये ऑर्डर आ जाएगा, ये आप प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, कॉल नो भी कर सकते हैं और लोकेशन भी जान सकते हैं। तो इसके लिए आपको आप जो चाहे यहाँ कर सकते हैं। मैं अब यहाँ ऑप्शन एक्सेप्ट सेलेक्ट करती हूँ, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया है प्रोडक्ट। देन आप यहाँ कंफर्म ऑर्डर्स में देख सकते हैं फ्रेंड्स, यही ऑर्डर यहाँ से आप कंप्लीट, अब अगर आपने डिलीवर कर दिया है तो आप यहाँ कंप्लीटेड ऑप्शन चूज कर सकते हैं फ्रेंड्स। ये डिलीवर्ड ऑर्डर में सेव हो जाएगा। आप यहाँ से कस्टमर को कॉल नाउ भी कर सकते हैं और लोकेशन भी जान सकते हैं। तो इस तरह से आप बिग मेगा वेंडर ऐप में आपकी स्टोर लिस्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू ऑल ऑफ यू।